गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने एल्कीन, एल्केन और एल्काइन के वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज के बारे में पढ़ा था। आज हम बच्चों एरोमेटिक रिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम एरोमेटिक रिंग सिस्टम की बात करें तो सी एच स्ट्रेचिंग इज़ ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि यदि हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो 3000 के लेफ्ट हैंड साइड पर हमें एब्जॉर्प्शन की पीक नज़र आती है। वहीं सी एच आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन की हम बात करें तो 900 से 690 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। दीज बैंड कैन बी यूज फॉर ग्रेटर यूटिलिटी टू असाइन द रिंग सब्सिट्यूट पैटर्न, यानी कि यदि हमें ऑर्थो पैरा और मेटा पोजिशंस के यानी डाइट सब्सिट्यूटेड में हमें पोजिशन देखनी होगी तो ये जो पर्टिकुलर आउट ऑफ प्लेन का रीज़न है 900 से 690 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि सी डबल बॉन्ड सी रिंग स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन हमें मिलता है 1600 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड और 1475 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड मिलता है। ओवरटोन कॉम्बिनेशन बैंड अपीयर बिटवीन 2000 एंड 1667 सेंटीमीटर के इनवर्स के अराउंड मिलता है, जो कि वीक एब्जॉर्प्शन होता है असाइन द रिंग सब्सिट्यूटेड पैटर्न, जैसे जैसे उनमें रिंग सब्सिट्यूटेड पैटर्न आते हैं। अब सिंपल बच्चों अपन यहाँ पर स्पेक्ट्रा देखेंगे तो आप यहाँ देखिए कि फर्स्ट आप पीक देखिए, ये है आपकी पूरी 3000, ऊपर मैंने लिख रखा है पेंसिल से 3000, और आप ये पूरी पीक देखिए, ये एरोमेटिक को बता रही है। कौन सी वाली पीक बता रही है, कौन सी पीक बता रही है बच्चों? ये देखिए, ये पीक बता रही है एरोमेटिक को और ये बता रही है एलिफेटिक रिंग सिस्टम को। अब इसी तरह से बच्चों यदि कोई मोनो सब्सिट्यूटेड है तो मोनो सब्सिट्यूटेड के लिए आप यहाँ पे देखिए हमें इस तरह का एब्जॉर्प्शन मिलता है। वहीं यदि हम एरोमेटिक की बात करें सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग के लिए तो हमें यहाँ पर 1600 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। वहीं यदि हम एरोमेटिक की बात करें जहाँ हम डाई सब्सिट्यूटेड की बात कर रहे थे कि जो हमारा फॉर्मेशन है, देखिए 900 से 600 के अपराउंड हमें जो सी एच एरोमेटिक आउट ऑफ प्लेन के लिए जो मिलता है, या हम कहेंगे डाई सब्सिट्यूटेड है या ऑर्थो पैरा मेटा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस पर्टिकुलर रीजन में जाकर मिलती है। इसी तरह से नेक्स्ट स्पेक्ट्रा पैटर्न मैंने ऑर्थो सब्सिट्यूटेड का लिया है। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको एरोमेटिक के लिए पीक मिल रही है, इसी तरह से आपको एरोमेटिक के लिए पीक मिल रही है, एलिफेटिक के लिए यहाँ पर पीक देखने को मिल रही है, इसी तरह से आपका ऑर्थो सब्सिट्यूटेड के लिए आप यहाँ पर देखिए 2000 से 1800 के बीच हमें एब्जॉर्प्शन मिल रहा है, और यहीं पर हमें ऑप्टोपोल सी एच स्ट्रेचिंग एरोमेटिक स्ट्रेचिंग के लिए मिल रहा है, जबकि हमें यहाँ पर ये वाली जो पीक है सी डबल बोन सी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से बच्चों आप नेक्स्ट स्पेक्ट्रा देखिए, ये मेटा सब्सिट्यूटेड है बच्चों, वो सारी जनरलाइज पीक है, इसमें चूँकि अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पर हमें NH2 के लिए एक पीक नज़र आ रही है, और इसी के पास में आप यहाँ पर देखिए कि ये जो दो पीक्स हैं ये आपके एरोमेटिक सिस्टम की पीक है और ये आपके एलिफेटिक सिस्टम की पीक है, और ये हमारे मेटा सब्सिट्यूटेड का पैटर्न है। वही आपको यहाँ पर सी एच के आउट ऑफ प्लेन की फ्रिक्वेंसी नज़र आ रही है, और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग के लिए हमें एब्जॉर्प्शन 1600 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैंने पैरा का एग्जांपल लिखे देखा है। अब बच्चों आप यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंस करिए, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, आप मतलब आप इसको समझिए, ये ऑर्थो सब्सिट्यूटेड के लिए था ये पैटर्न, आप ये देखिए ये ऑर्थो सब्सिट्यूटेड के लिए था, इसी तरह से ये मेटा सब्सिट्यूटेड के लिए, और यहाँ पर देखिए पैरा सब्सिट्यूटेड के लिए है। तो हमें किस तरह से पीक में जो वेरिएशन है वो नज़र आ रहा है, ये आपके एरोमेटिक के लिए है, ये आपके एलिफेटिक का ऑब्जॉर्प्शन है, ये आपका सी डबल बॉन्ड सी के लिए एब्जॉर्प्शन है, और यहाँ पे आपका सी एच जो आउट ऑफ प्लेन एरोमेटिक सिस्टम के लिए पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन मिलता है ये उसके लिए आपको एब्जॉर्प्शन नज़र आएगा। अब जो बात आती है सी एच बेंडिंग वाइब्रेशन की, द इन प्लेन सी एच बेंडिंग वाइब्रेशन अकर बिटवीन 1300 टू 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। जनरली जो सी एच बैंडिंग है बच्चों आउट ऑफ प्लेन की बात करें तो 1300 से 1000 के बीच में हमें मिलता है। दीज बैंड आर रेडिली यूजफुल बिकॉज दे ओवरलैप अदर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन विच अकर इन दिस रीजन, और यदि वहाँ पर ऐसा कोई एब्जॉर्प्शन यदि स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन की पीक यदि मिलती है तो उसके साथ ओवरलैप कर जाती हैं। द आउट ऑफ प्लेन सी एच बैंडिंग वाइब्रेशन विच अपीयर बिटवीन 900 टू 690 सेंटीमीटर इनवर्स आर फार मोर यूजफुल दैन द इन प्लेन ऑफ बैंड। यदि हम सी एच की आउट ऑफ प्लेन हमारे लिए 900 से 690 के अंदर जो पीक मिल रही है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
दिस एक्सट्रीमली इंटेंस एब्जॉर्प्शन रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कपलिंग विथ एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमें जो इंटेंस एब्जॉर्प्शन मिलता है स्ट्रॉन्ग कपलिंग की वजह से मिलता है, जो उसके पास वाले हाइड्रोजन की वजह से हमें देखने को मिलेगा। कैन बी यूज टू असाइन द पोजिशन ऑफ सब्सिट्यूएंट ऑन द रिंग एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में जो हमारा प्रोटोन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो उसके साथ में कपल करता है। द असाइनमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर बेस्ड अपॉन दीज ऑटो प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन इज मोस्ट रिलायबल फॉर एल्काइल सब्सिट्यूट एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ द मॉलिक्यूल विदाउट सर्टेन पोलर ग्रुप। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड एंड द डीएक्टिवेटिंग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लीड टू अनसेटिस्फैक्ट्री इंटरप्रिटेशन। बच्चों अब हम आगे इसको स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करेंगे, पीछे मैंने लिए। अब आप यहाँ पर देखें कि जो हमने 900 से 690 के बीच की जो एब्जॉर्प्शन पीक दिखाई है, अब यहाँ पर आप इसे देखिए, यदि मोनो सब्सिट्यूटेड रिंग है यानी कि बेंजीन रिंग के अंदर सिंगल एक ग्रुप है, यानी मोनो सब्सिट्यूटेड मतलब दिस टाइप, यहाँ ये कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, तो उसमें हमें क्या मिलेगा? दिस सिचुएशन पैटर्न ऑलवेज गिव अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन नियर 690 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। क्या हो गया कि हमें सिर्फ एक ही एब्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन मिल रहा है 690 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड मिलता है। इन दिस बैंड इज एब्सेंट, देर इज नो मोनो सब्सिट्यूटेड रिंग प्रेजेंट। और यदि यहाँ पर कोई भी सब्सिट्यूएंट नहीं होगा तो क्या होगा कि हमें किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलेगा। अ सेकेंड स्ट्रॉन्ग बैंड यूजुअली अपीयर, और दूसरा जो बैंड मिलता है हमें 750 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। व्हेन द स्पेक्ट्रम इज टेकन इन अ हेलो कार्बन सॉल्वेंट द 690 सेंटीमीटर बैंड मे बी अकर बाय द स्ट्रॉन्ग CX स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब बच्चों जो 6750 का जो था वो कहाँ 690 पे हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, और वो किस वजह से हो रहा है कि जो आपका यदि हम हेलो कार्बन लें सॉल्वेंट तो 690 के अराउंड भी हमें एक एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है जो CX के लिए होता है। दिस टिपिकल टू पीक मोनो सब्सिट्यूटेड पैटर्न अपीयर इन द स्पेक्ट्रा स्टायरीन और टॉलिन में हमें इस तरह का स्पेक्ट्रम पैटर्न देखने को मिलता है। बच्चों मैंने पीछे स्पेक्ट्राज लिए हैं, उसमें हम उसको और अच्छे से समझेंगे। ऑर्थोडाई सब्सिट्यूटेड रिंग्स की बात यदि हम करें तो वन स्ट्रॉन्ग बैंड 750 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें मिलता है। दिस पैटर्न इज सीन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्थो यानी क्लोरोटॉलुइन में हमें इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। इसी तरह मेटाडाई सब्सिट्यूटेड रिंग की हम बात करें, दिस सब्सिट्यूएंट पैटर्न गिव 690 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें मिलता है, और एक बैंड 780 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें देखने को मिलता है। थर्ड बैंड ऑफ मीडियम इंटेंसिटी यानी यहाँ पर हमें एक तीसरा बैंड भी मिलता है जो 880 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है, यानी कि यदि हम मेटा सब्सिट्यूएंट की बात करें तो यहाँ पर हमें तीन बैंड देखने को मिलेंगे। इसी तरह से यदि हम पैराडाई सब्सिट्यूटेड रिंग की बात करें तो वन स्ट्रॉन्ग बैंड अपीयर इन द रीजन, हमें एक स्ट्रॉन्ग बैंड मिलता है 850 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड मिलता है। दिस पैटर्न सीन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ पैराक्लोरोटॉलिन जो अभी अपने पीछे स्ट्रक्चर में दिखा था, पीछे जो हमने स्पेक्ट्रा देखे थे ये तीनों स्पेक्ट्रा हमने पिछले उसमें देख चुके हैं। द CH ऑटो प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ द कॉमन सब्सिट्यूएंट पैटर्न गिव अबाव प्लस सम अदरवाइज अ फिगर 2.24 टुगेदर विद द फ्रिक्वेंसी रेंज। इट शुड बी नोटेड दैट द बैंड अपीयर इन 722-667 रीजन एक्चुअली रिजल्ट फ्रॉम CMOC ऑटो प्लेन रिंग बैंडिंग वाइब्रेशन रेदर देन द CH ऑटो प्लेन। अब बच्चों यहाँ बॉक्स में आप इस चीज़ को समझेंगे हम कि यदि मोनो सब्सिट्यूएंट है तो हमें ऑब्जेक्शन कहाँ मिल रहा है। अब आप बच्चों देखिए, यदि मोनो सब्सिट्यूएंट है तो आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर हमें दो बैंड मिल रहे हैं, हमें यहाँ पर ये दो बैंड मिल रहे हैं, ठीक है। वो किसके अराउंड मिल रहे हैं? 700 से थोड़ा सा ऊपर है, और यहाँ पर ये 850 से 750 के बीच में। इसी तरह से यदि ऑर्थो है तो हमें सिंगल मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर वो हमें 850 के बीच में मिल रहा है। इसी तरह से मेटा की बात करेंगे तो हमें 1, 2 और 3 तीन तरह के एब्जॉर्प्शन मिले, एक 900 के अराउंड मिले, 800 के अराउंड मिलेगा, 700 के अराउंड देखने को मिलता। इसी तरह पैरा की बात करेंगे तो हमें सिंगल मिलेगा, 800 के अराउंड मिलेगा। यदि 1, 2, 3 यानी तीन सब्सिट्यूएंट है तो हमें मीडियम इंटेंसिटी का मिलेगा, और यहाँ पर मीडियम का मिलेगा 900 और 800 के अराउंड। इसी तरह 1, 2, 3 पैटर्न में हो तो बच्चों यहाँ से 800 से अबाव और यहाँ पर 700 के अप्रॉक्स हमें एक मीडियम इंटेंसिटी की पीक देखने को मिलती है। इसी तरह 1, 3, 5 पैटर्न है तो आप यहाँ पर देखिए, हमें स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन 900 से
अप्रॉक्स मान लिया 970 के अराउंड पीक देखने को मिलती है, इसी तरह से मीडियम इंटेंसिटी की 700 के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। अब यदि हम कॉम्बिनेशन और ओवरटोन बॉन्ड्स की बात करें तो देर आर मेन पीक कॉम्बिनेशन ओवरटोन एब्जॉर्प्शन अपीयर 2667 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड। जब हमने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमें यहाँ पे वीक कॉम्बिनेशन ओवरटोन के बैंड्स भी देखने को मिलते हैं। द रिलेटिव शेप एंड नंबर ऑफ दीज पीक कैन बी यूज टू टेल वेयर एन एरोमेटिक रिंग इज मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा एंड हेक्सा सब्सटीट्यूटेड, और जिसकी रिलेटिव जो पीक है उससे हम यह आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी एरोमेटिक रिंग सिस्टम है वो डाई सब्सटीट्यूटेड है, मोनो सब्सटीट्यूटेड है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा या हेक्सा सब्सटीट्यूटेड है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म कैन ऑल्सो भी डिस्टिंग्विश, और यदि हमारी जो पोजिशन आइसोमेरिज्म है उसे भी हम बहुत आसानी से इससे समझ सकते हैं। सिंस द एब्जॉर्प्शन आर वीक, एब्जॉर्प्शन जनरली वीक होते हैं, दीज बैंड आर बेस्ट ऑब्जर्व बाई यूजिंग नीट लिक्विड। यदि हम नीट यानी बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर यदि हम पीक लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, स्पेक्ट्रा हमें जो है क्लियर मिलेगा। इफ़ द कंपाउंड हैज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी कार्बोनिल ग्रुप द एब्जॉर्प्शन विल ओवरलैप एंड वीक ओवरटोन बैंड, सो द यूजफुल इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम द एनालाइज ऑफ द दिस रीजन। और हम यदि इस पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें देखने को इसमें मिलती है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए द वेरियस पैटर्न दैट आर ऑप्टेन टू दिस रीजन। अब इसको बच्चों अपन डायग्राम से समझेंगे। अब आप इस डायग्राम को देखिए जो अपन ने ऊपर बात करी थी, आप यहाँ पर देखिए यदि मोनो सब्सिट्यूएंट है 2000 से 1667 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें ओवरटोन्स मिल रहे हैं, तो आप ये पैटर्न देखिए, हमें इस तरह की यदि पीक पैटर्न मिलता है तो आप ये देखिए हमें किस तरह का मिला। इसी तरह डाई हो ऑर्थो है तो हमें इस तरह का पीक पैटर्न मिलेगा। इसी तरह से यदि हम मेटा की बात करें तो हमें इस तरह से मिलेगा, पैरा में हमें ऐसे मिलेगा, 1, 2, 3 में हमें इस तरह का पैटर्न मिलेगा। अब इनमें बच्चों डिफरेंस देखते चलिए, और 1, 3, 5 की यदि हम बात करें तो हमें इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। इसी तरह से बच्चों आप देखिए 1, 2, 4 पैटर्न है तो इस रीजन में हमें इस तरह से पीक मिलेगी। आप नीचे देखिए 1, 3, 1, 2, 3, 5 यानी 4 रिंग बेंजीन रिंग के 4 सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमें इस तरह की सिंगल पीक मिलती है। इसी तरह पेंटा के लिए, हेक्सा के लिए हमें इस तरह से पीक देखने को मिलती है। अब यदि बच्चों कुछ मैंने स्पेक्ट्रास लिए हैं, टिपिकल एग्जांपल्स लिए हैं तो आप उसको देखिए। कल हमने एसिटिलीन की भी बात करी थी तो कुछ उसको समझने के लिए कुछ नए स्पेक्ट्रा मैंने लिए हैं, तो आप यहाँ पर ये देखिए कि फर्स्ट हमारी ये है हमारी पीक है, सी एच स्ट्रेचिंग की पीक है जो हमें 3300 के अराउंड देखने को मिल रही है। इसी तरह से CS2, CS3 के लिए यदि हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करें बच्चों तो आप इसको देखिए 2857 से 2941 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। जबकि यदि हम सी ट्रिपल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग की बात करें तो हमें यहाँ पर ये देखिए हमें 2119 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। इसी तरह से हम बात करें तो यहाँ पर बैंडिन बैंड के लिए देखिए, CS3 और CS2 के लिए देखिए तो 1400 से 1500 के बीच में हमें एब्जॉर्प्शन मिलता है। वहाँ यदि हम सी एच बैंड के लिए देखें तो C630 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड भी हमें पीक ये देखने को मिलती है। इसी तरह से बच्चों हमने ये स्पेक्ट्रा लिया है। अब आप ये देखिए हमने यहाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक देखी है। तो फर्स्ट हमने देखी ये 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें सी एच स्ट्रेचिंग के लिए पीक देखने को मिल रही है। इसी तरह सी डबल 2140 पर मीडियम एब्जॉर्प्शन हमें सी डब ट्रिपल बॉन्ड सी के लिए मिल रहा है। इसी तरह से 600 से 700 के बीच में हमें स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है सी एच बैंडिंग के लिए। वहीं यदि हम 2190 से 2260 पर हमें देखें तो हमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग के लिए एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से बच्चों आप देखिए कि सी एच ऑब्जर्व हमें 2100 से 2200 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिल रहा है। वो कब मिल रहा है? जबकि हमारा टर्मली एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। यदि हमारा ट्रिपल बॉन्ड यदि इंटरनल एल्काइल ग्रुप है तो इस जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग में भी वीक हो जाएगी और एबसेंट अ वेरी स्मॉल और ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, क्योंकि यदि वो सिमेट्रिकल हो गया या बीच में है
तो उस कंडीशन में बच्चों क्या हो जाएगा कि हमें जो एब्जॉर्प्शन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा वीक देखने को मिलेगा। अब बच्चों कल मैंने आपको हाइपरडाइजेशन के बारे में बताया था, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि यदि CH स्ट्रेचिंग की यदि हम बात करें, यहाँ पर यदि हम चेंजेस देखें, तो यदि हम SP3 हाइब्रिडाइज कार्बन की यदि हम बात करें तो उसमें 1/4 S कैरेक्टर होता है, इसकी वजह से हमें 29 से 50 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। वहीं C डबल बॉन्ड C का जो CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, इसमें आप देखिए 1/3 S कैरेक्टर होता है, और हमारा जो कार्बन SP2 हाइब्रिडाइज है जिससे हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हमें यहाँ पर 3080 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। वहीं यदि हम एसिटिलीन की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो कार्बन है SP हाइब्रिडाइज है, और हमें हमारा जो S कैरेक्टर है वो हाफ यानी कि 50% होता है S कैरेक्टर, तो हमें 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड में बच्चों हमें पीक देखने को मिलती है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में किस तरह से वेरिएशन होता है ये आपने देखा है। अब बच्चों यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है एल्केन का, तो आप यहाँ पर बहुत शार्पली देखिए कि कितनी आसानी से इसमें पूरे अच्छे से समझाया गया है कि कौन सी पीक कहाँ पर नज़र आ रही है। आप ये देखिए 1380 पे हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये वाली पीक। इसी तरह से आप ये देखिए C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1640 सेंटीमीटर के अंदर कह रहा हूँ। वहीं यदि हम ओलिफिनिक CH की बात करेंगे तो आप ये देखिए हमें ये वाला मिल रहा है 995 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिल रही है, और ये एक अलग पीक देखने को हमें यहाँ पर मिलती है। इसी तरह से बच्चों हम यदि विनाइल ग्रुप की बात करें तो 3380 से 3140 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है, और वहीं यदि हम विनाइलिक मतलब सीट इसकी बात करें तो 3080 से 3140 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड CH स्ट्रेचिंग मिलता है। और आप यहाँ पर ये देखिए यदि हम ट्रांस की बात करें तो हमें 3020 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर वेरियस हैं कि कैसे कैसे सब्स्टिट्यूएंट बदलते जाते हैं, तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो वेरी करता है। इस तरह से बच्चों हम एल्काइल बेंजीन का यदि हम स्पेक्ट्रा देखें तो आप इसको देखिए स्पेक्ट्रा को। फर्स्ट बच्चों आप इस वाली पीक को देखिए। अब इस पीक में आप ये देखिए फर्स्ट रो एरो देखिए, एरोमेटिक CH स्ट्रेचिंग 3060 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिल रही है हमको इस ये वाली पीक। इसी तरह से आप देखिए एरोमेटिक CH स्ट्रेचिंग के लिए हमें 3090 सेंटीमीटर के अराउंड ये पीक मिलती है। इसी तरह 3040 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमें CH स्ट्रेचिंग मिलता है एरोमेटिक सिस्टम के लिए। वहीं हम 2918 सेंटीमीटर से 2875 सेंटीमीटर वेस्ट के अराउंड हमें ये दो एल्काइल मिल रही है, वो हमें एलिफेटिक सिस्टम के लिए हमें पीक मिलती है। और यदि ओवरटोन और कॉम्बिनेशन की बात करें तो बच्चों ये ओवरटोन और कॉम्बिनेशन के जो हमने 1600 के अप्रॉक्स जो पीक बताई थी वो है, और सी डबल बॉन्ड सी के लिए यदि हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे तो ये वाला पूरा हमें दिखाई देता है। यदि हमें आउट ऑफ प्लेन देखना है तो आप यहाँ पर देखिए कि ये आपका सिंगल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के लिए एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। अब बच्चों एरोमेटिक सिस्टम है, CH स्ट्रेचिंग हमें 3040 से 3010 मीटर के मीडियम स्ट्रेंथ एब्जॉर्प्शन की पीक मिलती है, और यदि डबल बॉन्ड की बात तो 1500 के अराउंड हमें पीक मिलती है मीडियम इंटेंसिटी की। स्ट्रॉगर वैन द रिंग इज़ फर्दर कॉन्जुगेटेड, यदि वापस से रिंग कॉन्जुगेटेड होती है तो हमें स्ट्रॉन्ग पीक मिलेगी। दिस इज़ यूजुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 2 और 3 बैंड्स, ये जनरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आउट ऑफ प्लेन की बात करें तो 900 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों ये पूरा सा सिंपल सा पैटर्न है कि पूरे IR के स्पेक्ट्रम में हमें कौन से रीजन में कहाँ क्या क्या मिलता है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि यदि एब्जॉर्प्शन ड्यू टू OH NH CH बॉन्ड स्ट्रेच अकर हेयर, देयर आर वेरी हाई इन एनर्जी बिकॉज हाइड्रोजन इज सच ए लाइट एटम एंड पोजिशन ऑफ द बैंड डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड स्ट्रेंथ विच इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर, यानी कि CH इज़ लेस देन NH इज़ लेस देन OH, यानी उसके हिसाब से हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। हाईएस्ट एनर्जी रीजन होता है 3800 से 2700 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड, जो कि हाइड्रोजन रीजन कहलाता है। इसी तरह से बच्चों आप नीचे की तरफ यहाँ पर आइए, यदि ट्रिपल बॉन्ड रीजन की यदि हम बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग अकर हेयर, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड सो दे अकर एट द हायर वेवलेंथ देन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, यानी कि 3300 से 2000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड जो हमें पीक मिल रही है वो किस वजह से मिल रही है,
कि जो हमारा जो वेव नंबर है डबल बॉन्ड का वो बहुत स्ट्रॉन्ग, एक तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और वेव नंबर हायर वेव नंबर होने की वजह से हमें जो हायर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से आप ये देखिए कि ये 1900 से 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड का है, पूरा डबल बॉन्ड रीजन कहलाता है। जनरली यहाँ पर सी ओ के लिए, सी डबल बॉन्ड एन के लिए और सी डबल बॉन्ड सी के लिए हमें बॉन्ड के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और बच्चों 1200 से 650 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड आपका पूरा फिंगरप्रिंट रीजन है, तो सिंगल बॉन्ड रीजन है। स्ट्रेच ऑफ द सिंगल बॉन्ड एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द बैंड ऑल्सो अकर इन दिस रीजन, यानी कि ये वो रीजन है जहाँ पर हमें जितने भी हमारे अननोन कंपाउंड्स हैं यदि वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी रखते हैं स्पेक्ट्रा में, मगर इस पर्टिकुलर रीजन में जाने पर हमें ये महसूस होता है कि उनके जो स्पेक्ट्रा हैं वो अब अलग दिखाई देते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट होता है कि यहाँ पर किस तरह का कंपाउंड प्रेजेंट है। तो बच्चों ये बात हुई IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आज हमने एक ही टॉपिक लिया, इसी तरह से आपके हाइड्रोकार्बन पूरी तरह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरह से और यदि कोई ग्रुप एल्किल समूह के साथ जुड़ा हो, चाहे वो एसिडिक ग्रुप हो, अमाइड हो, एसिड डेरिवेटिव्स हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, तो पीक पे किस तरह से वेरिएशन आता है और किन पर्टिकुलर रीजन में वो एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।